क्या नाम है आपका? बीके प्रमोद भाई। आज क्या प्रोग्राम हुआ था? आज ये शिव संदेश दिया गया है, सब आत्माओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि शिव परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, शिव का क्या रूप है, शिव इस धरा पर कब आते हैं और आकर के वो कौन सा कर्तव्य करते हैं। तो वो इस धरा पर आकर के हम आत्माओं को ये सच्चा गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि इन पांच विकारों रूपी बुराइयों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति आ नहीं सकती। आज दुनिया के अंदर तनाव, टेंशन, भय, चिंता बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण है अज्ञानता का अंधेरा। जब तक ये अज्ञान अंधेरा नहीं मिटेगा तब तक जीवन के अंदर सुख शांति की गंगा बह नहीं सकती। ये पांच विकार कौन से हैं? पांच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये मनुष्य को पतन की ओर ले जा रहे हैं। जब तक हम इन पांच विकारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति आ नहीं सकती। इसके द्वारा जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? इसके द्वारा संदेश ये पहुंचा रहे हैं कि इन पांच विकारों ने भारत जो स्वर्ग था, इन पांच विकारों के कारण वही भारत आज पतित नरक बन गया है। भाईचारा, प्रेम भाव जो था वो सब खत्म होता जा रहा है। इन पांच विकारों को हम त्यागेंगे, अब ये पांच बुराइयां हमारे जीवन से निकल जाएंगी, तब ही हम भाईचारे का फिर से पुनः वही रिश्ता अपने जीवन में ला सकेंगे और अपने जीवन को फिर से धन्य बना सकेंगे। परम पिता शिव परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं। वो इस धरा पर कल्प में एक ही बार आते हैं और आकर के हम सभी आत्माओं को सच्चा ज्ञान देकर के अपने घर का सत्य परिचय देते हैं कि तुम यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हो, अब तुम्हारा पाठ कलयुग अंत में चरम सीमा पर जा रहा है, अब तुम्हारा पाठ पूरा होगा, अब घर वापस जाना है। जैसी हम आत्मा आई थी वैसे ही पावन बन के हम आत्माएं अपने घर वापस जाएंगे, यही है शुभ संदेश। आज क्या प्रोग्राम? आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कार्यक्रम रखा गया है। इस शिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है और परमात्मा सर्वधर्म की आत्माओं का पिता है, तो परमात्मा का ये संदेश देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है कि परमात्मा शिव को सभी जान लें, क्योंकि वो सारे धर्म की आत्माओं का पिता है और पिता से सभी अपना अधिकार ले लें। तो हम सभी परमात्मा का सत्य परिचय देने के लिए आए हुए हैं और ये कार्यक्रम खास इसलिए रखा गया है कि परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के इस भारत भूमि को फिर पुनः स्वर्ग बना रहे हैं। तो परमात्मा माउंट आबू अरावली पर्वत पर अपना कार्य कर रहा है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस संस्था कब तक जुड़े हुए? मैं इस संस्था से विगत मुझे 30 साल हो चुके हैं और मैं पूर्ण रीति से इसमें समर्पित रूप से अपना जीवन और अपना समय दे रहा हूँ। आपको इसमें कुछ कहना चाहोगे? आई हुई जनता कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? इस जनता को ये संदेश है कि ये परमात्मा से सभी जुड़ें और परमात्मा जो राजयोग की शिक्षा दे रहा है तो राजयोग की शिक्षा लेकर के अपने जीवन में कैसे सुख शांति लाए। तो आज दुनिया में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये अनेक बीमारियां, दुख और अशांति है, तो परमात्मा कह रहा है कि बच्चों राजयोग की शिक्षा से अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हो, तो मैं आ गया हूँ और फिर पुनः इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए। तो कहते हैं ये विकारी कलयुग की दुनिया रसातल जाने वाली है और श्री कृष्ण की दुनिया धरा पर आने वाली है। ओम शांति।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।